तो पहुंच गए सब, शुरू करें अब। दोस्तों हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ और इस दौरान अस्थायी रूप से इंटरनेट को भी बंद किया गया। ऐसे में कई रिपोर्ट सामने आई जिनमें बताया गया कि इंटरनेट बंद करने के मामले में इंडिया पूरी दुनिया में सबसे आगे है। जबकि राज्यों की अगर बात करें तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि भारत में कश्मीर के बाद राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो इंटरनेट बंद करने के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। इसके पूरे आंकड़े भी आपको बताएंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भारत सरकार आखिर इंटरनेट को बंद कैसे करती है? क्या सरकार के पास ऐसा कोई स्विच है जिसे ऑफ करते ही किसी भी इलाके में इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, या फिर इसके लिए कोई और प्रक्रिया काम में ली जाती है? आखिर कैसे होता है इंटरनेट बंद और इसका प्रोसेस क्या है, ये सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार और हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करते हैं इंटरनेट शटडाउन को लेकर और ये जानते हैं कि इंटरनेट पर बैन लगाने के लिए सरकार आखिर क्या प्रोसेस अपनाती है। साथ ही ये भी जानेंगे कि देश के किस राज्य में कितनी बार इंटरनेट पर बैन लगाया गया हो और इसके आंकड़े क्या कहते हैं। चलिए पहले आपको ये बताते हैं कि भारत में इंटरनेट आखिर कैसे बंद किया जाता है। दोस्तों इंटरनेट शटडाउन का मतलब है किसी एक जगह पर इंटरनेट का बंद हो जाना या फिर किसी लोकेशन पर इंटरनेट को बंद कर दिया जाना। वैसे तो इसका उपयोग आमतौर पर दंगों के समय पर किया जाता है ताकि इंटरनेट के जरिए अफवाहों को फैलने से रोका जा सके। लेकिन आज के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में कोई भी बड़ा विरोध प्रदर्शन होने की स्थिति में इन अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन किया जाने लगा है। सवाल ये है कि आखिर एक ही पल में कैसे इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, और इसका जवाब है कि सरकार इंटरनेट को अचानक से बंद नहीं करती है, बल्कि उसे कुछ प्रक्रियाओं को भी पूरा करना होता है जिसके बाद ही इंटरनेट बंद किया जाता है। दरअसल इसके लिए केंद्र या राज्य के होम सेक्रेटरी इंटरनेट बैन करने का ऑर्डर देते हैं, जिसे एसपी या उससे ऊपर के रैंक वाले अधिकारी के जरिए टेलीकॉम कंपनियों को भेजा जाता है और इंटरनेट बैन करने के लिए कहा जाता है। ऑर्डर जारी होने के अगले दिन इसे संबंधित सरकार के रिव्यू पैनल के पास भेजा जाता है, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी और टेली कम्युनिकेशन सेक्रेटरी शामिल होते हैं। जबकि राज्य सरकार की तरफ से दिए गए ऑर्डर के रिव्यू में चीफ सेक्रेटरी और लॉ सेक्रेटरी शामिल होते हैं। रिव्यू पैनल 5 वर्किंग डेज में इस ऑर्डर की समीक्षा करता है। रिव्यू पैनल से मंजूरी मिलने के बाद इंटरनेट पर बैन लगा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति होती है तो गृह सचिव द्वारा अधिकृत किए गए अधिकारी इंटरनेट पर बैन लगाने के आदेश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के गृह सचिव की तरफ से चुने गए जॉइंट सेक्रेटरी धारा 144 के दौरान भी इंटरनेट पर बैन लगाने का आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन इस फैसले के लिए जॉइंट सेक्रेटरी को 24 घंटे के अंदर गृह सचिव से इसकी मंजूरी लेनी होती है। तो ये वो प्रक्रिया है जिसे पूरी किए जाने के बाद ही किसी इलाके में इंटरनेट शटडाउन किया जाता है। अब बात करते हैं इंटरनेट शटडाउन के आंकड़ों को लेकर, जो ये बताते हैं कि भारत में किस साल में कितनी बार इंटरनेट बंद किया गया और इस मामले में किस राज्य की क्या स्थिति है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेट बंद किए जाने के मामले में भारत दूसरे देशों से बहुत आगे है। साल 2012 से लेकर 19 दिसंबर 2019 तक के इन आंकड़ों के मुताबिक 2012 में 3 बार, 2013 में 5 बार, 2014 में 6 बार, 2015 में 14 बार, 2016 में 31 बार, 2017 में 79 बार, 2018 में 134 बार और 2019 में 19 दिसंबर तक 95 बार इंटरनेट बंद किया गया है। इनमें से 2000 के ये आंकड़े ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में होने वाले कुल इंटरनेट शटडाउन में से 67% भारत में हुए हैं, जबकि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 2018 में सिर्फ 12 बार इंटरनेट शटडाउन रहा है। अब देश के राज्यों की बात की जाए तो देश की तरह से ही कश्मीर इस मामले में भी सबसे ऊपर है। इंटरनेट शटडाउन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2012 से लेकर 2019 तक कुल 374 बार इंटरनेट बंद हुआ, जिसमें कश्मीर में 180 बार इंटरनेट शटडाउन रहा। वहीं राज्यों के आंकड़ों में कश्मीर के बाद राजस्थान का नंबर आता है, जहां इस दौरान 67 बार इंटरनेट बैन किया गया।
जबकि उत्तर प्रदेश में 25 बार, हरियाणा में 13 बार, बिहार और गुजरात में 11-11 बार, महाराष्ट्र में कुल 10 बार, पश्चिम बंगाल में 5 बार, उत्तराखंड में 2 बार और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में एक एक बार इंटरनेट बंद हुआ। ऐसे में इंटरनेट बंद करने के मामले में कश्मीर के बाद राजस्थान का दूसरे नंबर पर आना आखिर क्या साबित करता है, इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति में अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा इंटरनेट बंद किया जाना एक अलग बात है, लेकिन सवाल ये भी आता है कि क्या बिना इंटरनेट बंद किए कानून व्यवस्था को बनाया नहीं रखा जा सकता, और इसका जवाब है हाँ, रखा जा सकता है। क्योंकि 2016 में बेंगलुरु में कावेरी के पानी को लेकर हुए प्रदर्शन में पुलिस ने इंटरनेट बंद नहीं किया था, बल्कि ट्विटर का सहारा लेकर अफवाहों का खंडन किया था। साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी और अफवाहों को फैलने से रोका था। ठीक ऐसा ही अयोध्या जमीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समय पर अयोध्या पुलिस ने भी किया। जब देश के करीब हर हिस्से में इंटरनेट बंद था, तब अयोध्या पुलिस ने सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी और किसी भी आपत्तिजनक या फिर अफवाह फैलाने वाली पोस्ट को तुरंत से डिलीट करवाया। ऐसे में साफ है कि इंटरनेट बंद कराए बिना भी कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखा जा सकता है, बशर्ते पुलिस प्रशासन तमाम सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखे और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई को अंजाम दे। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझे और किसी आपातकालीन स्थिति में बिना सोचे समझे किसी भी पोस्ट या मैसेज को फॉरवर्ड करके अफवाहें ना फैलाकर पुलिस प्रशासन का कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपना सहयोग प्रदान करे। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आने वाले नए साल 2020 में देश का हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझेगा और किसी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगा, जिससे इंटरनेट बंद किए जाने के मामलों में निश्चित तौर पर कमी आएगी और देश का हर राज्य इस मामले में कश्मीर बनने से बच सकेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। साथ ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारियां और अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।